में आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के उस भाषण की जो उन्होंने कल संसद में दिया। तो कल राहुल गांधी ने संसद में अपना 46 मिनट का भाषण दिया। उन्होंने बहुत सारे मुद्दे इसमें उठाए और सबसे बड़ा मुद्दा था जातीय जनगणना का। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए सरकार ने एक चक्रव्यूह बना लिया है। 6 लोगों का उन्होंने जिक्र किया जिसको लेकर स्पीकर ओम बिरला ने उनको टोका भी कि जो सदस्य नहीं है सदन के उनका नाम मत लीजिए। 6 लोगों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन 6 लोगों ने पूरे देश पर एक चक्रव्यूह बना रखा है और इस चक्रव्यूह को तोड़ना है। उन्होंने कहा कि देश अभिमन्यु का उन्होंने जिक्र किया, किन किन लोगों ने अभिमन्यु के खिलाफ साजिश की, चक्रव्यूह बनाया, उन लोगों का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि जातीय जनगणना से ये चक्रव्यूह टूट जाएगा। उन्होंने हलवा सेरेमनी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ 2-3 लोग ही हैं, 2-3% लोग हैं जो इस देश में सिर्फ हलवा खा रहे हैं, बाकी जितने भी 95-96% लोग हैं उनको हलवा नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारी उन्होंने बातें की जिसका जवाब आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनुराग ठाकुर ने दिया भी, जिस पर काफी हंगामा संसद में लोकसभा में देखने को मिला। आइए इस पर जो हमारे पास जो रिएक्शंस आए हैं अब तक वो आपको दिखाते हैं। अनुराग ठाकुर ने आज क्या कुछ कहा, कितना हंगामा उस पर हुआ। उन्होंने जाति पूछ ली अखिलेश यादव की कि वो किस जाति के हैं। उन्होंने एक तरह से राहुल गांधी को ये कह दिया कि वो किस जाति के हैं पता ही नहीं है। तो इस पर राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने मुझे गाली दी है, स्पीकर को उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि लेकिन वो उनसे माफ़ी की उम्मीद नहीं रखते हैं और तमाम तरह की बातें हुई। पहले रिएक्शंस आपको दिखा देते हैं किस तरह के रिएक्शंस पूरे मामले में आए, राहुल गांधी ने क्या कहा था और इस पर कैसे हंगामा हो रहा है। में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था, 6 चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है, हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद सर। कुछ लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं और महाभारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल है, और उस नेता के अलावा और कौन नहीं जानता कि महाभारत में अभिमन्यु का वध 7 महारथियों ने मिलकर किया था, जयद्रथ, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शकुनी। लेकिन राहुल जी ने
कभी महाभारत शायद, अब मुझे तो पता नहीं, पढ़ा भी नहीं पर देखा भी नहीं होगा शायद। शायद सर मुझे लगता है अंकल सैम ने लिख कर दिया होगा, अंकल सोरोस ने लिख के दिया होगा, कहीं से पर्ची बनकर आई होगी और कूल डूड बनने का प्रयास किया होगा। मैं इतना ही कहूंगा, कल जो चक्रव्यूह में फंसाने की बात कर रहे थे वो कर्ण को करना कह रहे थे, कृपाचार्य जी को कृपचाय बोल रहे थे। चलिए छोड़िए उसको। अध्यक्ष जी, कल तो ऐसा लग रहा था सदन के अंदर महाभारत पर इतना सारा ज्ञान दिया गया कि एक समय ऐसा लगा बीआर चोपड़ा के महाभारत के धारावाहिक का संगीत गूंजने लगा हो। चलाने की जिम्मेदारी जितनी सत्ता पक्ष की है उतनी प्रतिपक्ष भी है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं, कोई गाली मुझे अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी, मैं चेयर पे हूं और चेयर का काम है कि अगर कहीं भी कोई असंसदी या किसी को गाली दी गई तो मैं उसको देखूंगा, मैं उसको कार्रवाई करूंगा। सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है, माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है वे। केवल सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए, बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप पूछ के दिखाओ जाति को, नहीं जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी जाति नहीं पूछ सकते, आप हमारी व्यवस्था सुन ले, आप मेरी व्यवस्था सुन ले, कोई सदन में किसी की जाति नहीं पूछेगा। अनुराग ठाकुर जी, मैंने उसको स्पष्ट कर दिया। अनुराग ठाकुर जी, माननीय सभापति जी, बात आ गई। अब माननीय सभापति जी, उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय आरजी वान जी ने यही कहा था कि ओबीसी के आरक्षण का विरोध करता हूं। ये तो सदन में है। आरजी वन ने कहा था कि मैं ओबीसी को आरक्षण का विरोध करता हूं। अब ये तय करें कि वो सही थे या ये सही हैं, और आपकी पार्टी गलत थी कि आप गलत हैं, और वो पिछड़ा विरोधी थे कि आप पिछड़े के पक्ष में हो। और उस समय की पूर्व प्रधानमंत्री आईजी ने कहा था कि जात पर ना पात पर, अभी मैंने तो कहा नहीं सर, उस समय कहा गया था। और इसी तरह से ही मंडल, कृपया अपना भाषण संक्षेप, मंडल आयोग की रिपोर्ट हो, काका कालेलकर की रिपोर्ट हो, इस पर कौन वर्षों तक बैठा रहा सर, जवाब देना होगा इनको, कौन देगा जवाब। राहुल गांधी लगातार घेरते हैं, जातीय जनगणना को लेकर सरकार को घेरते हैं। वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आखिर जातीय जनगणना के नाम से भागती क्यों है, जातीय जनगणना से डरती क्यों है। तमाम सवाल हैं देश का सवाल में, आज यही सवाल हम उठा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, अनुजा कपूर जी हमारे साथ हैं, बीजेपी से स्पोक्स पर्सन है। इसके अलावा असमा तस्लीम है, कांग्रेस से स्पोक्स पर्सन। गौरव चाचरा हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से स्पोक्स पर्सन। निरंजन पोद्दार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं, आप सभी का स्वागत है। अनुजा जी, जो सवाल उठाए हैं, जो सवाल राहुल गांधी ने कल कहा, चक्रव्यूह उन्होंने कहा कि चक्रव्यूह बना रखा है, पूरे देश उसमें उस चक्रव्यूह में घिरा हुआ है, और उसके बाद जातीय जनगणना की बात जैसे ही की, काफ़ी हंगामा हुआ और अभी तक ये हंगामा सदन में चल रहा है। राहुल गांधी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार, केंद्र सरकार डरती है जातीय जनगणना से। जय श्री राम। अभी भी मुझे जहां पर लगता है कि कौन डरता है, कौन किस भाषा में बात कर रहा है, वो तो आपने अभी देख ही लिया था। अखिलेश यादव अचानक से बहुत ही ज्यादा घबरा गए और बहुत ही गुस्से में आ गए जाति की बात सुनते ही। तो ये उन्हीं के इंडिया अलायंस के हैं,
अब अगर जाति की बात करेंगे तो हिंदुओं में जाति को जानबूझकर बात करने का मतलब वो है, जवाब दे रहे थे अनुराग ठाकुर की बात कर रहे हैं। मैं आपको यही बात बता रही हूँ कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी, इनकी जातियों पे अगर कभी भी कोई बातचीत सामने नजर आएगी तो ये परेशान इसी तरीके से नजर आएंगे। राहुल गांधी की जाति मुझे लगता है हर कोई जानते हैं कि उनके ग्रैंडसन किसके हैं, ये फिरोज के। तो मुझे लगता है यहाँ पर तो जाति की बात होनी भी नहीं चाहिए। फिरोज कौन थे? तो इनको तो जाति पता पूरा, नहीं पूरा बताइए ना, फिरोज कौन बताइए? इंदिरा गांधी, फिरोज कौन थे? इंदिरा गांधी के फिरोज कौन थे? यहाँ अधूरी बात मत करिए। फिरोज खान, देखिए फिरोज खान जब मैंने कहा है ग्रैंडसन, तो सर आपको इंग्लिश इतनी तो लोगों को समझ में आनी चाहिए ना कि ग्रैंडसन कौन है। हाँ हाँ, तो बताइए। मैं फिरोज गांधी के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। आपने फिरोज खान नाम, फिरोज गांधी नहीं है, फिरोज खान तो नहीं था वो। देखिए ऐसा है, फिरोज खान भी नहीं था। गांधी का नाम देखिए, आप आपको सब कुछ पता है, वो पारसी समुदाय से आते थे, पारसी समुदाय से आते थे। तो नहीं, पारसी समुदाय से आते हैं फिरोज, उनका नाम कर रहे हैं, कहां पर आए हैं, कौन किसकी जाति से बात करने की कोशिश कर रहा है, ये सब नजर आ रहा है। बात यहां पर जो घुमाने की कर रहे हैं कि चक्रव्यूह और ये जो पद्म व्यूह, मुझे लगता है ये भूल गए हैं कि उनके पिता राजीव गांधी का जो नाम है उनका मतलब कमल है। तो या तो वो ये भूल गए हैं कि कमल को कहां यूज करना है, कहां थ्रो करना है, क्योंकि कमल हमारा चिन्ह है, सिर्फ चिन्ह नहीं, वो सिंबल है लक्ष्मी का। तो यहाँ पर आप मुद्दे से मत भटक, छोड़िए ना उस बात को। आप ये बताइए जातीय जनगणना की बात, जाति की बात करिए, मैं जातियों की बात कर रही हूँ, मैं जाति पे आ रही हूँ, नामों पर ही आ रही हूँ। जिस ओबीसी एससी एसटी की बात ये करते हैं, तेलंगाना में ओबीसी का सीएम लेकर आना था, इन्होंने लेकर आए क्या? रमंता रेड्डी को लिया है? आप मुझे बताइए कि काका कालेकर कमीशन रिपोर्ट के बाद ये कहां पर रहे? उसका ले आए ना, रिपोर्ट आ गई थी, उसके बाद क्या हुआ? कुछ किया इन्होंने? उसके बाद मंडल की आयोग की रिपोर्ट आई, ये बात बार बार होती है। जैसे ये लोग हमसे बात करते हैं, ना, आपकी सरकार है, आपको मौका है, आप दे दीजिए। 60 नहीं, आप हमारे में तो बिरसा मुंडा के, चलिए मैं तस्लीमा, बिरसा मुंडा के मैं अस्मत तस्लीम से जरा रिएक्शन ले लूं, ठीक है? मैम आऊंगा, मैम आऊंगा आपके पास, पहले सभी मैं वक्तव्य ले लूं, सभी मेहमानों का। अस्मा तस्लीम, बार बार ये कहना कि जातीय जनगणना कराएंगे, जातीय जनगणना से डरती है भारतीय जनता पार्टी। बहुत सारे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, जातीय जनगणना उन्होंने कराई अपने अपने स्टेट्स में, क्यों डरेंगे? डर इसीलिए, हेलो, कैन यू हियर मी? जी जी। सो कब हुआ था कास्ट सेंसस लास्ट टाइम इंडिया में? 2011 में हुआ था जी, 11 में। सो व्हेन डिड मोदी केम इनटू पावर, बीजेपी केम इनटू पावर, 14, राइट? सो आफ्टर देन तो कभी नहीं हुआ। व्हाई राहुल गांधी इज डिमांडिंग फॉर इट, व्हाट इज द इश्यू? ये कास्ट कंसेंसस है, इससे आपको मार्जिनलाइज सेक्शंस को पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलता है। इन अ वे इट विल हेल्प द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस टू रिप्रेजेंट। चलिए ये बताइए, वो किस चक्रव्यूह की बात कर रहे हैं? कौन सा चक्रव्यूह है देश पर जो बीजेपी सरकार ने बनाया हुआ है, एनडीए सरकार ने बनाया हुआ है? तो आई लाइक टू, मैं अपने नेता राहुल गांधी का चक्रव्यूह का इंटरप्रिटेशन बताना चाहती हूँ। युवा जो ट्रैप्ड है अनएम्प्लॉयमेंट के चक्रव्यूह में, फार्मर्स जो ट्रैप है कर्ज डेट के चक्रव्यूह में, एमएसएमई टैक्स के चक्रव्यूह में, मिडिल क्लास टैक्स के चक्रव्यूह में, द इंडेक्सेशन जो हटाया गया है उसका चक्रव्यूह, एंड द टैक्स ऑन कैपिटल गेन्स उसका चक्रव्यूह, जवान जो है अग्निपथ का चक्रव्यूह में है, एंड ओबीसी एसटी एससी जो है ये जाति जनगणना विच हैज नॉट बीन हैपनिंग उसके चक्रव्यूह में है। सो दिस इज व्हाट राहुल गांधी हैज इंटरप्रेटेड इट एज। ठीक है गौरव जी, आप अपना वक्तव्य दीजिए पहले, उसके बाद फिर मैं प्रेम कुमार जी के पास भी जाऊंगा और हमारे साथ जो निरंजन पोदार साहब हैं उनके पास भी जाऊंगा।
राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा कि जाति जनगणना की अगर बात हो रही तो भारतीय जनता पार्टी क्यों मौन है? आखिर भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय की बात क्यों नहीं करती है? आखिर पिछड़ों को, दलितों को हक उनके दिलाने के लिए उनकी लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी साथ क्यों नहीं दे रही? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है पीडीए पर अत्याचार डबल से ट्रिपल हो गए। इसी पीडीए के अत्याचार को रोकने के लिए हम जाति जनगणना की बात करते हैं कि जितनी जिसकी भागीदारी होगी उसी के हिसाब से उतनी उसकी हिस्सेदारी होगी, उसको आरक्षण मिलेगा, ताकि सामाजिक न्याय की बात हो। यहाँ पे जो पीडीए को जो उत्पीड़न करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है उस पर रोक लगे, पीडीए भी जनरल की तरह देश को आगे बढ़ाने में हम लोग सबकी मदद करें। ठीक है निरंजन जी, ये जो राजनीति आजकल देखने को मिल रही है, क्या आप असर देखते हैं पूरे देश पर इसका? राहुल गांधी ने जो कुछ कहा कल संसद में, आज भी राहुल गांधी बोले, और उसका जवाब जिस तरह से दिया है अनुराग ठाकुर ने। देखिए अबुल जी, जिस तरीके से राहुल गांधी जी को कांग्रेस ने पहली बार कोई जिम्मेदारी दी है, और आप ये मान के चलिए 2004 से लगातार राहुल गांधी जी संसद के अंदर हैं और कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा है, यानी कि अभी तक राहुल गांधी जी की जो स्थिति थी वो ये थी, एब्सोल्यूट पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी जी के ऊपर एक एलओपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आई है, यानी कि अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी आई है, और अब कांग्रेस पार्टी को वास्तव में ये पता चलेगा कि इनके अंदर कितना अध्ययन है, कितनी इनकी सोच है, कितनी इनकी दूरदर्शिता है। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब भी राहुल गांधी जी बोलने के लिए उठते हैं, आपके सामने जिस तरीके का एक एलओपी के पास डेटा होना चाहिए, एलओपी के पास एक तर्क के साथ बात करने का एक वो तजुर्बा होना चाहिए, आज हमने अखिलेश जी को भी संसद के अंदर बोलते हुए देखा। तो जिस तरीके से अखिलेश जी ने सरकार को, अखिलेश जी ने भी टाइट किया है, ऐसी बात नहीं है अखिलेश जी ने कोई सरकार की प्रशंसा की हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि अखिलेश जी का भाषण सुन करके कोई भी बुद्धिशील आदमी, कोई भी जो समझदार आदमी है वो देख करके सोचने पे विचार करेगा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसके लिए जवाब भी देना पड़ेगा। लेकिन एक तरफ केवल और केवल जिसको कहते हैं कि एक र्यूमर फैलाना, या यूं कहें कि वही उनका, जिस तरीके से कह रहे पांडवों ने जीएसटी नहीं लगाई थी, उसी तरीके का एक चक्रव्यूह था, छह लोगों ने उसकी अभिमन्यु की हत्या कर दी थी। उनको यही नहीं पता चक्रव्यूह होता क्या है, पद्म व्यू क्या होता है, त्रिशूल व्यू क्या होता है, उनको यही नहीं पता। उनका पास यही अध्ययन नहीं है कि 7 महारथी थे, 13 अतिरथी थे, 17 रथी थे, उस जो अभिमन्यु का जो चक्रव्यूह कांड था। लेकिन वास्तविकता यही है कि बिना अध्ययन के कोई आदमी बोलता है तो वो एक एसेट्स की बजाय लायबिलिटी बन जाता है। और आज की तारीख में जिस तरीके से जो अब बात कर रहे हैं ये जातिगत जनगणना की, देखिए राहुल गांधी जी ये तो सवाल उठा रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कितने सचिव ओबीसी के हैं, कितने सचिव एससी के हैं, कितने एसटी के हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, 4 सरकारें उनकी, चाहे तमिलनाडु की बात करूं, हिमाचल की बात करूं, तेलंगाना की बात करूं, या जहां पे उनकी कोलिशन सरकार है तमिलनाडु की सचिव, वहां पे इन्होंने दे रखे हैं, पहले उनकी तो संख्या बताएं। और जो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं अबुल जी, मुझे एक बात बताइए कि 2011 के अंदर मनमोहन सिंह की सरकार को जातिगत जनगणना का डेटा मिल गया, 2011 से लेकर 2014 सदन में उसको पटल क्यों नहीं किया, मुझे एक बात बताइए, उसको टेबल क्यों नहीं किया, उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या होगी ना। और अभी भी कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के अंदर पिछले लगभग समझ लीजिए 1.25 साल से जातिगत जनगणना का डेटा आकर के रिकॉर्ड रखा हुआ है, लेकिन अभी तक प्रेम कुमार जी, क्या सिर्फ राजनीति का मामला है या वाकई सामाजिक न्याय की कोशिश है राहुल गांधी की, अखिलेश यादव की? देखिए अबुल जी, पूरे चुनाव में ये मुद्दा बना था और राजनीति भी बदली है। ये जो मुद्दा है इस हिसाब से, इस परिप्रेक्ष्य में है, जब राहुल गांधी सवाल करते हैं कि हलवा बांटने वालों में कहाँ है वंचित तबका, कहाँ है, जब वो सवाल करते हैं कि 1% लोगों के पास 40% दौलत है, तो वो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि इस देश में कुछ वर्ग है जो सत्ता का आनंद उठा रहा है, और इस परिस्थिति को बदलनी है, और इसका तरीका ये है कि एक एक्सरे हो कि कौन कहाँ खड़ा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में जातीय जनगणना का सवाल उन्होंने उठाया है और इसका राजनीतिक रूप से लाभ भी मिला है, चाहे इंडिया गठबंधन को, यही बेचैनी का सबब है
सत्ता पक्ष को, भारतीय जनता पार्टी को, कि अगर ये नारा स्ट्रांग होता है, अगर ये बात मजबूती से सामने आती है, तो हिंदुत्व के नाम पर जो वो आज तक राजनीति करते आए हैं उस पर उनको इस नारे से लड़ने में असुविधा होगी, मुश्किल होगी। तो राजनीति यहीं पर है कि एक तरफ हिंदुत्व का नारा फेल हो रहा है, दूसरी तरफ सामाजिक न्याय का नारा मजबूत हो रहा है। और ये लड़ाई बहुत गंभीर लड़ाई है, पहले भी हुई थी और आज बहुत रोचक दौर में है। आप देख रहे हैं संसद में गाली गलौज की भाषा में बात की जा रही है। अनुराग ठाकुर ने पूछा कि जिसकी जाति का पता नहीं वो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं जी। तो इसको जब आपत्ति की गई, अखिलेश यादव ने आपत्ति की, तब सभापति भी मजबूर हुए ये कहने को कि हम इसको एक्सपंज कर देंगे। यानी ये मान लिया गया कि ये बात जो है राहुल गांधी को टारगेट करके कही गई। उसके जवाब में राहुल गांधी ने भी जो कहा आपने सुनाया कि वो माफी की अपेक्षा नहीं रखते हैं और जो भी उन्होंने बात कही सामने रखी। लेकिन मूल बात ये है कि ये गाली गलौज की भाषा पर क्यों उतर रहे, क्यों उस शब्द को एक्सपंज करना पड़ रहा है जो राहुल गांधी के लिए इंसल्टिंग लैंग्वेज है। तो इसका सीधा सा है कि राजनीतिक रूप से बहुत चोट लग रही है। चक्रव्यूह की थ्योरी जो राहुल गांधी ने रखी है इस पर विवाद करें विद्वान लोग कि 6 लोग थे कि 7 लोग थे, लेकिन मूल रूप से जो बात उन्होंने कही कि चक्रव्यूह में घेर करके मारा जा रहा है देश के की महिलाओं को, वंचितों को, आदिवासियों को, उन्होंने एक थ्योरी रखी है। और मारने वाले कौन लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं। तो इस स्थिति को वो बदलना चाहते हैं, ये उनका थ्योरी है, इससे चोट लगना स्वाभाविक है। अनुजा जी, सत्ताधारी पक्ष, क्या वाकई जातीय जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जिसका राजनीतिक रूप से फायदा मिला पिछले इन चुनाव में? और हमने देखा भी भारतीय जनता पार्टी 303 से 240 पर आ गई और गठबंधन की सरकार अब है, एनडीए की सरकार है। पहले फुल फ्लेजेडली आपके पास मेजोरिटी थी, तो नुकसान तो हुआ है। और यही वजह है कि बीजेपी को कुछ कहते नहीं बन रहा है जातीय जनगणना। अबुल जी, भाजपा जो है ना वो सबका साथ और सबके विकास के लिए बात करती है। जिसको आप कह रहे हैं कि हमारे को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है, तो ऐसा नहीं है। आज भी हम लोग वहीं पर ही खड़े हैं। लेकिन आपके नेता कहते हैं जो हमारे साथ सिर्फ उसका विकास। हम लोग 3 साल से इस गवर्नमेंट में हैं और हम लोग वहीं पर ही खड़े हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन बोर्ड की अगर बात कर लें तो मैं सुनना चाहती हूँ सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, सुमन दुबे, अशोक गांगुली, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनमें से ओबीसी और एससी एसटी कौन है। मैं फिर पूछना चाहती हूँ कि इनके कैबिनेट मिनिस्टर्स में सीएम कितने रहे, इनके चीफ सेक्रेटरी कितने रहे, इनके वो कितने रहे प्राइम मिनिस्टर, जो ये बताएं कि जो ओबीसी से रिलेटेड, आदिवासी से रिलेटेड है। आज ये बात करते हैं कि हम लोगों ने तेलंगाना के अंदर और हिमाचल प्रदेश के अंदर और कर्नाटका के अंदर इन लोगों ने सरकारें वापस अपनी ले ली है, ये यहाँ पर खड़े हैं। आपको मालूम है कि कर्नाटका का क्या हाल है और किस तरीके से इन्होंने 37% रिजर्वेशन जो है, जो पैसा भी उनके इस तरफ अलॉटेड किया गया था वो था ₹14,730 करोड़, किसमें से 39,121 करोड़ में से इन्होंने एससी एसटी का जो उनके डेवलपमेंट के लिए यूज करना किया था उन्होंने इसको डाइवर्ट कर दिया, उन्होंने इसे डाइवर्ट कर दिया किसी और जगह पर, दूसरे स्कीम्स पर। कर्नाटका ने फ्री बीज के लिए इसको यूज करना शुरू कर दिया। मैं एक बार बस एक अबुल भाई एक बात पूछना चाहती हूँ कि जिसके लिए आप ये कहते हैं कि ₹300 करोड़ माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए कांग्रेस ने तेलंगाना में लगाया ये बजट को, आप जानते हैं कि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने कितना स्पेंड किया है? ₹3,969 करोड़ डाउन हो गया है पुराने टाइम से जो बीआरएस के टाइम पर रहा। अब आप मुझे ये बताइए जिसको कहते हैं ये माइनॉरिटी, इनके लिए माइनॉरिटी कौन है बता दो। ₹33 करोड़ रमजान सेलिब्रेशन के लिए इन्होंने दिया, सिर्फ 5 लाख रुपया इन्होंने हिंदू फेस्टिवल बोनालू के लिए दिया। 50 करोड़ इन्होंने रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ अशोक खन्नास के लिए दिया, 4.43 करोड़ जो है हज पिलग्रिमेज के लिए दिया, ₹2.4 करोड़ जो इन्होंने ये तबलीगी जमात इस्लामियों के लिए दिया। आपको मालूम है कि इसको सऊदी अरेबिया वाले भी इनको टेररिस्ट कहते हैं, इनसे दूरी बनाकर रखते हैं। ये तो इनके माइनॉरिटीज के अंदर है। मैं समझना चाहती हूँ कि जिस 27% रिजर्वेशन को मोदी जी लेकर आए,
जहां पे बिरसा मुंडा स्टैचू को विजिट करने के लिए पहले प्रधानमंत्री मोदी जी हुए, जिन्होंने मोदी कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस अस्मा तस्लीम से मोदी जी ने करी। अस्मा तस्लीम यहां पर हैं, मैं उनसे सवाल पूछूं। अबुल भाई, नहीं अबुल भाई, मैं यही तो हैरान हूँ। मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप एक मिनट, चलिए आपने बता दिया रमजान सेलिब्रेशन के लिए कितने दिए, ठीक है ठीक है, अब मेरी बात सुन लीजिए। आपने बताया रमजान सेलिब्रेशन के लिए कितने दिए, तबलीगी जमात को कितने दिए, ये तमाम चीजें आपने बताई हैं। और जाहिर है भारतीय जनता पार्टी का एक, क्योंकि ये एक मुद्दा है कि हिंदू वोटों के लिए कहा जाता है जो आरोप भी लगते हैं। एक चीज बताओ, एक मिनट, मैं इस सवाल पर आऊंगा। मैं मेरा सीधा अनुजा जी ये सवाल जो आपके हैं मैं पूछ लूंगा अस्मा तस्लीम से, ये सवाल मैं पूछ लूंगा। सिर्फ आप इतना बताइएगा, एक मिनट अस्मा तस्लीम, एक मिनट अनुजा जी, आप इतना बताइएगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना की पक्षधर है या नहीं? जातीय गणना के लिए, कास्ट सेंसस के लिए करने की जरूरत है अभी भी, जहां पर हर एक को, जब हमने ज्ञान के अंदर, क्या ये सारे लोग नहीं आते? क्या कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता कि सब सामान्य है? क्या मैं एज अ लॉयर जब मैं बात करती हूँ कि इक्वल बिफोर द लॉ एंड द इक्वालिटी बिफोर द लॉ, क्या हम आज इस कॉन्स्टिट्यूशन की बात जहां कर रहे हैं जिसको लाल किताब को घुमा घुमा कर दिखाते हैं, क्या ये भूल जाते हैं कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में 60 साल आप थे? क्या उस 60 साल में, मुझे तो बताइए ना सर, मैं गलत हूँ, भाजपा चली अभी आई है, आप तो थे ना बड़े, आप बड़े थे इस कंट्री के अंदर, आप सबसे पहले आए थे, आपने ब्रिटिशर्स के बाद आपने अपना योगदान दिया, क्या योगदान दिया सर आप मुझे बताइए, मुझे दिखाइए आपने ओबीसी के लिए क्या किया, एससी एसटी के लिए क्या किया, हम पे उंगली जरूर उठाई है सर, और क्या आपने क्या किया, क्या जवाब दे सकते हैं आप लोग? आप हिंदुओं को, यानी आप कह रही जरूरत नहीं है जातीय जनगणना की, फिलहाल जरूरत नहीं है। मैंने ये आप कहिएगा फिर से, मैंने बोला आपको ये बात नहीं, मैंने मैं, क्या मैं बोला? आपसे जानना चाह रहा हूँ ना, मैं तो आपसे सीधा सीधा यही जानना चाह रहा हूँ। अच्छा, हज हज में जो लड़की औरतें जाती है, अब क्या हम लोगों ने उनके लिए नहीं किया? ट्रिपल तलाक को हटाया है, क्या वो हमने नहीं किया? क्या मुसलमान बच्चों को पढ़ाने की बात हमने नहीं करी? सर ऐसे पार्टी है, मत मारिए इस देश को, ये देश एक सच्चाई की तरफ आगे जा रहा है, इसको बांटने के अंदर जो चक्कर घूम रहे हैं ना, इससे ना तो डेवलपमेंट होगी, ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, और ना हम ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जाएंगे। बांटने से कभी कोई चीज ठीक नहीं हुई। गौरव का रिएक्शन होगा, लेकिन पहले आसमा आप बताइए, तमाम आरोप कांग्रेस सरकारों पर लगे पिछली। First of all, I'd like to answer उनका पहला question. This was not at all mentioned in the Constitution of India. वो बता रही थी that census is not mentioned. So I'd like to read about 73rd and 74th Amendment of 1993. The Constitution provides for reservations in electoral constituencies in panchayats and municipalities, not only for SC STs but also for OBCs. That article would be 243D6 and 243T6. For this, caste-wise, area-wise, census data of OBC is essential. So, now I'd like to ask her constitution mein hai, Anuja ji. That अरे तो कॉन्स्टिट्यूशन में है तो ओबीसी को, कास्ट सेंसस की बात तो कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो हमने नहीं, तो हमने दिया तो ओबीसी को 27 रिजर्वेशन हमने दिया, इन्होंने क्या दिया? हेंगा, इन्होंने तो उनका छीन लिया, why is not इन्होंने तो छीन लिया, इन्होंने तो छीन लिया, why is not BJP conducting it? 37% छीन लिया, एससी छीन लिया, why is not BJP conducting it? आपको जीरो नॉलेज है, लॉयर के सामने बैठी हैं आप मुझे ज्ञान ना दें, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर मैं रही हूँ, इसलिए मुझे ज्ञान ना दें आप यहाँ बैठे, आप क्या कर सकते हैं? तो बताइए, कांग्रेस रिजॉर्टिंग पर्सनल अटैक्स ऑन राहुल गांधी एंड मुस्लिम्स, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक जहाँ पे लाकर खड़ा कर दिया है ना, जहाँ पे लाकर खड़ा कर दिया है, तेलंगाना में
सामाजिक न्याय की आप बात करते हैं, ठीक है मैम, शांत शांत, ठीक है। अनुजा जी, अस्मा जी, अनुजा जी, गौरव जी, आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आपके नेता अखिलेश यादव सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक पक्ष ये भी है, भारतीय जनता पार्टी ज्यादा अनुजा कपूर कह रही है कि इससे देश बट जाएगा। देश इससे नहीं बटेगा, देश तो भारतीय जनता पार्टी ने बांट रखा है, जब से 14 से इनकी सरकार आई है देश बांटने का कई काम किया है, चाहे वो कावड़ियों के लिए डिसीजन लिया हो नेम प्लेट का, चाहे उत्पीड़न की बात करूं तो पीडीए पे जो अत्याचार हुआ 2014 की बात की सरकार आने के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ, क्या किया, ये मैं नहीं कह रहा, पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट कह रही है, उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई नहीं लगाई। हम चाह रहे हैं जो पीडीए पे उत्पीड़न अत्याचार हो रहा है वो बंद होना चाहिए, इसके लिए जाति जनगणना सबसे पहला हमारा मेन मुद्दा है, जाति जनगणना को लेके हमने चुनाव लड़ा था, चाहे 22 का हो चाहे 24 का, तो जाति जनगणना की हमारी मांग है। अभी मेरी बहन कह रही थी कि कांग्रेस ने मुसलमानों को ये किया वो किया, अरे आपका सहयोगी दल टीडीपी, उसका घोषणा पत्र में क्या था जिसके साथ आपका गठबंधन है, आपका घटक दल है वो, जिसके साथ आपने एनडीए की सरकार बना रखी है, बल्कि टिका रखी है, 50 बरस से ऊपर के मुसलमानों को पेंशन, हर बड़े शहर में ईदगाह कब्रिस्तान के लिए जमीन, 5,00,000 बिना ब्याज के मुसलमानों को लोन, इमामों की तनख्वाह 10,000 रुपए, हर मस्जिद के रख रखाव के लिए 5,000 रुपए महीना, 1,00,000 रुपए एक दिन सहायता राशि, इसके अलावा मुसलमानों को 4% आरक्षण। अरे ये आपका टीडीपी जो आपका घटक दल है उसके उसके घोषणा पत्र के, उसके बाद भी आपने उसके साथ सरकार को टिकाया रखा, सिर्फ और सिर्फ आप लोग छल कपट और झूठ की राजनीति करके सत्ता की मलाई चाटने के लिए उत्तर प्रदेश जो देश की देवतुल्य जनता का बेवकूफ बनाते हो आप लोग, लेकिन अब 2024 के चुनाव में ये आपके सारे मुद्दे हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान इंडिया पाकिस्तान सारा फेल हो चुका है। उत्तर प्रदेश ऐसा हमारा प्रदेश है जिसकी देवकुल जनता ने आपकी सरकार बनने से रोक दी, आपको बैसाखी पे खड़ा कर दिया, आज आपकी सरकार बैसाखी पे टिकी हुई है। प्रेम कुमार जी की सरकार है, प्रेम कुमार सरकार आपकी गिर सकती है, प्रेम कुमार प्रेम कुमार जी, क्या ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, आप क्या मानते हैं आने वाले समय में भी और अभी भी क्या क्या बिल्कुल फोकस्ड है कांग्रेस और पूरा विपक्ष फोकस्ड है कि ये एक बड़ा मुद्दा हो जाएगा पूरे देश में? जी देखिए बिल्कुल हम फोकस्ड हैं। मैं प्रेम कुमार जी से, प्रेम कुमार जी से पहले बात कर लूं। देखिए एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने दो बातें सदन में कही और कहा कि ये सदन एमएसपी को गारंटी देकर रहेगा इसी सदन में, और ये भी कहा कि जातीय जनगणना भी होकर रहेगी, तो ये दो बातों का ऐलान सदन से ये कहते हुए कि ये सदन करेगा, तो उनकी मंशा या उनका कहने का तात्पर्य साफ है। कोई आज गौरव गोगोई ने भी कहा है कि ये सरकार चल नहीं सकती, मध्यावधि चुनाव की हम तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो है सीधे सीधे चुनौती पेश कर रहे हैं विपक्ष की ओर से राहुल गांधी कि ये दो चीजें पास होंगी, यानी ये दो मुद्दा बना रहेगा, तो ये दो मुद्दा सही में ये लोग राजनीतिक रूप से बनाते रहे हैं, और इन मुद्दों से बीजेपी को लड़ना है, और बीजेपी कैसे लड़ेगी ये उनको तैयारी करनी है। तूतू मैमे से ये लड़ाई नहीं हो सकती, बीजेपी को कम से कम इसकी काट करने के लिए ये सोचना होगा, बताना होगा, दिखाना होगा, ये दो तरह की बातें नहीं चलेगी, सबका साथ सबका विकास और जो मेरे साथ उसका विकास हम उसके साथ, दो बातें नहीं चलेगी कि हम मुसलमानों को सहूलियत भी दे रहे हैं और मुस्लिम जो है घुसपैठिए भी होते हैं, ये दोनों बातें नहीं चलेगी। अब मुजरा करने वाली भाषा और तमाम भाषाएं जो चली हैं वो उन सब चीज से उसको एक सबक के तौर पर लेना चाहिए कि जो हमने गलती की, भारतीय जनता पार्टी ये माने, उनके नेता नरेंद्र मोदी जी माने कि जो उन्होंने डिविसिव बातें चुनाव के दौरान कही वो बातें जीत का रास्ता नहीं देती, वो बातें 303 से 240 तक पहुंचाती हैं। देश में अगर राजनीति में मजबूत करना है, विपक्ष को अगर हराना है, तो आपको वही सबका साथ सबका विकास वाले वाली बात पर ईमानदारी के साथ आना पड़ेगा, वरना ये मुद्दा सिर्फ ये नहीं है, जातीय जनगणना का सवाल जातीय बढ़ाने वाला नहीं है, जाति तो इस देश की सच्चाई है, जाति तभी खत्म होगी जब जाति
के जातिगत भेदभाव खत्म होंगे। अगर जातिगत भेदभाव निरंजन जी क्या क्या वो सूत्र मिल गया है कांग्रेस पार्टी को, क्या वो सूत्र निरंजन जी मिल गया है कि उसके पास एक काट आ गई है, जैसा कि कह रहे थे गौरव भी कह रहे थे कि हिंदू मुसलमान पाकिस्तान शमशान कब्रिस्तान, इसकी एक काट मिल गई है कांग्रेस पार्टी को जातीय जनगणना। देखिए अब्दुल, हाँ देखिए अब्दुल जी, ये है कि जिस तरीके से राजनीति के अंदर भरमाने का और समझाने का खेल चलता है, कहीं ना कहीं पिछले 2-3 महीनों से जो अपोजिशन है वो भरमाने के अंदर कामयाब रह रहा है और भारतीय जनता पार्टी समझाने में कहीं ना कहीं थोड़ा विफल हो रही है। लेकिन अगर आप काट की बात करें तो अभी जैसे किसानों के एमएसपी की बात कर रहे थे प्रेम कुमार जी, मुझे एक बात बताइए, आपको पता नहीं है 1.25 साल के अंदर कर्नाटका के अंदर 1183 किसानों ने आत्महत्या की है, तो वहां तो इनकी सरकार है, उनका तो भला कीजिए। और जो ये सामाजिक न्याय की जाति राहुल गांधी तो वो ये कह रहे थे जातिगत जनगणना होने के बाद में 65% लोग हैं वो किसी को भी रास्ते में रोक करके कहेंगे चल तेरे पास कितना पैसा है मुझे दे ला, इधर दे। तो कहने का तात्पर्य ये है अब्दुल जी, जब अपनी कार से हाईवे पे जा रहे होंगे जातिगत जनगणना के बाद में, राहुल गांधी जी की थ्योरी के हिसाब से कोई भी 4 आदमी उनको रोकेंगे, रोक करके कहेंगे भैया आपकी जनसंख्या तो 14% है, आप कार कैसे लेके घूम रहे हो, और आपकी कार वो छीन लेंगे। राहुल गांधी जी का मतलब ये है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपको जातिगत जनगणना की बात थी, अगर आपको ओबीसी का उद्धार करने की बात थी, तो मंडल कमीशन, तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट तो 1980 के अंदर आ गई थी। उसके बाद में 4 वर्ष इंदिरा जी की सरकार रही, 5 वर्ष राजीव जी की सरकार रही, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने में 10 साल लग गए, और वो भी जब बीपी सिंह की सरकार आई तब मंडल कमीशन की रिपोर्ट सदन में पटल हुई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो इंदिरा गांधी जी कहें, राहुल गांधी जी कहें, नेहरू जी कहें, जो ये कहते थे कि आज, लेकिन ये पुरानी बातें हो गई, ये नई कांग्रेस है, ये राहुल गांधी की कांग्रेस है, इसमें उन्होंने उनके कुछ नए मुद्दे हैं, उसमें कुछ नए मुद्दे हैं, आज की राजनीति कुछ और कह रही है कि किसी को मतलब जो समाज के अंदर एक जिस तरीके से जिसको कहते हैं सिविल वार में धकेलना, यानी कि कोई भी किसी को रोक करके कहेगा हमारी जाति 65% है, आप अपना धन हमें दे दीजिए, ये क्या सिविल वार की तरफ देश को धकेलने की व्यवस्था नहीं है क्या? आप ये चीज तो समझते होंगे, अगर आपको किसी का भला करना है, आपको अगर सामाजिक न्याय देना है, तो उनका उत्थान कीजिए, उनकी शिक्षा के अंदर उनको इस योग्य बनाइए, उनको उनको जो जो समाज समाज का जो भी व्यक्ति है पीछे रह रहा है उसको आगे लाने की बात कीजिए। आप तो एक दूसरे के बीच में वैमनस्य एक दूसरे के बीच में हो, यानी कि वर्ग संघर्ष कहें या जातीय संघर्ष कहें, क्या इस देश को आप जातीय संघर्ष में धकेलना चाहते हैं क्या? तो अब्दुल जी की सामाजिक न्याय उससे मिलेगी क्या जब एक जाति के दूसरे जाति? शिक्षा की बात, ये शिक्षा दी जानी चाहिए उस वर्ग को जो वंचित है, विकास की मुख्य धारा में नहीं है, तो उसकी पहचान तो करनी होगी ना कि कौन कहाँ पे खड़ा है, एक्सरे तो करना ही होगा ना। तो एक्सरे करने को आप बोल रहे हैं कि गाड़ी छीन लेंगे, ये सब तो हिपोथेटिकल बात कर रहे हैं, हंसने वाली बात। मुझे एक बात बताइए, हंसने वाली बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि समाज में जातियां 4 प्रकार की जातियां हैं, एक गरीब, एक अमीर, एक महिला, एक नौजवान। तो अगर क्यों बुढ़ा होना गुनाह है इस देश में करना है, अगर बुजुर्ग होना गुनाह है क्या इस देश में? जाति के पेट से जन्म ले लिया, लेकिन अगर बुजुर्ग होना गुनाह है उसकी कोई जाति नहीं है, नपुंसक है क्या बुजुर्ग? नहीं है, बुजुर्गों का अपमान कर रहे हैं कि नहीं? 4 जातियां बता करके, युवा, नारी और बुजुर्ग कहाँ है यहाँ इस देश में? बुजुर्ग नहीं है क्या? बुजुर्ग क्या इंसान नहीं है? इसलिए आप उनसे सारी सुविधाएं छीन ले रहे हैं। इसलिए ये जो 4 जातियां बता रहे हैं ना, ये नॉन बायोलॉजिकल को बताने दीजिए, बुजुर्ग भी इस देश का हिस्सा है, इस बात को समझिए, बुजुर्ग इस देश से बाहर के नहीं है। उद्देश्य एक ही है कि देश को किसी भी तरीके से एनआरकी में धकेलना, वर्ग संघर्ष में धकेलना, कि जो पैसे वाला है उसके उसको कहीं पे भी लूट लो, कोई जो अपनी। अच्छा निरंजन जी, क्या सिर्फ जातियों से देश बटेगा? हिंदू मुसलमान से देश नहीं बटता? निश्चित रूप से 80% और 20% वाला बयान आप भूल गए? 80-20 की लड़ाई आप भूल गए?
मैं आ रहा हूं इस बात के लिए, आपका बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन ये व्यवस्था भी कहां से उत्पन्न हुई? ये व्यवस्था वहीं से उत्पन्न हुई ना, आपने 2024 का चुनाव देखा होगा, 2024 के चुनाव में जिस समाज को सबसे ज्यादा लाभार्थी वर्ग जो समाज था, उस समाज ने एक उस समाज को इतना भयभीत कर दिया कि वो समाज इस पार्टी से कितना दूर चला गया, आपने देखा नहीं? कि जहां पे 500 लोगों का घर है जिस गांव में, और उस गांव के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी को एक भी वोट नहीं मिलता है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि समाज को भयभीत किसने किया, इस समाज के अंदर ये वैमनस्य किसने फैलाया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो पिछले 10 वर्ष से है, मुझे एक बात बताइए, 10 वर्ष से कितने लोगों के साथ भेदभाव किया? जो भी स्कीम लागू हुई किसको नहीं मिली? अतुल जी को नहीं मिली, निरंजन को नहीं मिली, जो उसके अंदर जो उसके स्कीम को जो आदमी योग्य था उस हर व्यक्ति को स्कीम मिली या नहीं मिली? हिंदू मुसलमान देखकर के कहीं आसन बटा है क्या यार? हिंदू मुसलमान देखकर के कहीं आवास बटा है क्या अब्दुल जी? लेकिन उसके बावजूद भी अगर एक वर्ग को इतना डरा दिया जाए, बल्कि एक बात और कह रहा हूँ अब्दुल जी आपको, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार इस बार जो यूपीएससी का रिजल्ट आया उसके अंदर 53 मुस्लिम कैंडिडेट चयनित होकर के आए हैं, तो ये मुझे एक बात बताइए, पिछले 75 वर्षों के अंदर ये चीज क्यों नहीं हो पाई? कहीं ना कहीं वो वर्ग अपने आप को। उदार जी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत